अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। यार ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि CSS स्टार्ट करना है और मैं अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो मैं क्या करूँ। देखो, CSS आपने स्टार्ट करना है तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले ज़रूरी है वो ये है कि आप करंट अफेयर्स से और बाकी जो जनरल दुनिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनकी आपको आहिस्ता आहिस्ता से अवेयरनेस आए। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ आप डॉन और बाकी एक्सप्रेस ट्रिब्यून वगैरह है वो पढ़ना शुरू करें। आप उसके वर्ल्ड अफेयर्स, उसके करंट अफेयर्स और उसके जो ओपिनियन पीसेस हैं, क्योंकि वो आपको एक एनालिटिकल सोच देंगे। एनालिटिकल की बहुत बात होती है। एनालिटिकल रिफर्स टू कि आप किसी भी इवेंट को देखें कि वो ना सिर्फ हुआ क्या है बट वो क्यों हो रहा है, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, उसकी वजह से क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ साथ आप सबसे पहले जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें और CSS स्पेसिफिकली, आप उसके आसान जो जो टॉपिक्स हैं, आसान जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनसे आप स्टार्ट करते हैं और एक मोमेंटम गेन करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप अपनी जो जो करंट अफेयर्स है या पाकिस्तान अफेयर्स है, जनरल साइंस है, उनके आप सिलेबस उठाएं और उनको आप टेक करना शुरू करें। उसके सिलेबस उठाएं, उसकी किताबें हैं, किताबें CSS वाली आप उनके लिए ले लें, जनरल साइंस के लिए तो वो बड़ी रेलिवेंट है, उसकी आप किताब ले लें, पाकिस्तान अफेयर्स की आप लें, आप टेक करना शुरू करें। मैंने पहले भी बड़ी अपनी वीडियोस में बताया है कि दो किताबें यूज़फुल होती हैं, कि आप एक CSS स्पेसिफिक किताब और दूसरी किताब आपकी रेफरेंस की किताब, तो ये दो आपने रखनी है, टिक करना है, नोट्स बनाने शुरू करने हैं। जनरल साइंस करें, पाकिस्तान अफेयर्स करें, आहिस्ता से आप इस्लामिक अफेयर्स, जो इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामियात है, उसके ऊपर आप मूव कर जाएं और आखिर में, और साथ साथ आप ये करते रहें और साथ साथ आपकी अंग्रेज़ी भी ठीक होती जाएगी जैसे जैसे आप डॉन पढ़ते जाएंगे। और इवेंचुअली इनको थोड़ा सा करने के बाद पहला महीना आप इनसे शुरू करें, इनिशियली एक मोमेंटम गेन करें, फिर आप एसेज़ की इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन और आउटलाइन लिखना शुरू करें। उसके आप एग्जांपल्स ले लें कि उसकी इंट्रोडक्शन और आउटलाइन की क्या एग्जांपल्स हैं, वो लेके वो आप लिखना शुरू करें। तो दैट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट के जहाँ से आप CSS का आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट करेंगे। पहले अपने कंपल्सरीज को करें, फिर ऑप्शनल्स की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता करके चले जाएं। अगर कोई ऑप्शनल ऐसा है जो आपके एग्जैक्टली आपकी कोर्स और आपकी डिग्री के साथ है तो चलो आप उसको पहले ला सकते हो, बट नेवरदलेस इस ऑर्डर के अंदर आप CSS को अप्रोच करें, लिखना शुरू करें, साथ साथ जो भी करते हैं उसके नोट्स बनाना शुरू करें ताकि आपको फ़ायदा हो। नोट्स आपको पता है कि वन पॉइंटर्स पॉइंटर्स में बुलेट्स में होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, ब्रीफ होते हैं, वो लिखें ताकि आपको बाद में आप अपने नोट्स रिवाइज करें और उधर से ही आपका काम हो जाए। तो स्टार्ट ऑफ विद दिस, आहिस्ता आहिस्ता आप ऑप्शनल्स पे मूव करें, ऑप्शनल्स के साथ प्रैक्टिस पे मूव करें, प्रैक्टिस के साथ आप अपनी लोगों से कंसल्ट करते रहें और अपनी इसको इम्प्रूव करते रहें। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर CSS। और इधर से एक दफ़ा आपका स्टार्ट हो जाए, आप अकेडमीज़ वगैरह लेते हैं तो वो आपको जो है हेल्प कर देती हैं, आप खुद करते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट नेवरदलेस इस तरह से आप स्टार्ट करें एंड होपफुली that is going to help you throughout the process. Thank you.